हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी शक्कर पारे। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। शक्कर पारे बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा लिया, 2 बाटी मैदा, 2 बाटी शक्कर, 1 बाटी से मैं मेजरमेंट किया और 1 बाटी घी मेल्ट करके रखा, गुनगुना पानी और फ्राइंग के लिए ऑयल। पहले मैदे में जो मेल्ट करके घी रखा था वो ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके लेती हूँ। पहले अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, जो मैन के लिए घी लिया ऐसे इतना ही होना चाहिए। ऐसे मुट्ठी बनना शुरू होगा तो परफेक्ट। मैन इसमें डाला है, जो गुनगुना पानी रखा थोड़ा थोड़ा डाल के एक स्टिफ डो बना लेने का। आटा गूंद के रेडी कर लिया, अभी ढक के 10 मिनट छोड़ देती हूँ साइड में। शक्कर पारे का आटा सेट हो गया और एक बार अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। और 2 हिस्सा में डिवाइड कर लेती हूँ। एक रोलिंग पैन और बेलन ले लिया, बेल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे थिक बेल के रेडी कर लिया। साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन कट के साइड में रख लेती हूँ। और शंकर पाली कट के रेडी कर लेती हूँ। शंकर वाली जैसे चाहिए, छोटा बड़ा उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे बना के और प्लेट में निकल के रखती हूँ। ये बहुत इजी से बन जाते हैं। सेम प्रोसेस में बाकी सारा बना के तैयार कर लेती हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल गरम हो गया और सारे शंकर पाली बना के भी रेडी कर लिया। अभी ऑयल में छोड़ देती हूँ फ्राई होने के लिए। एक बार में जितना कढ़ाई में आएगा उतना ही ऐड करने का। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद ऐसे फ्लिप कर लेने का और गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेने का। पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। देखिए कलर भी चेंज हो गया। और एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने के लिए 1 टीस्पून टिश्यू पेपर व किचन टॉवल निकल के रखने का, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर। सारे शक्कर पारे ऐसे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे शक्कर पारे को फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ।
शक्कर पारा फ्राई होके रेडी हो गया। सारे शक्करपारा फ्राई करके रेडी कर लिया। अभी अगले प्रोसेस में जाऊंगी। एक पैन में शुगर और पानी ऐड कर देती हूँ। शुगर मेल्ट होने के लिए पानी ऐड कर दिया और एक तरह का चटनी बनाऊंगी। चटनी ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। अभी जो शंकर पली फ्राई करके रखा वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जो शुगर का कोटेड है अच्छी तरह से हर शंकर पली में लग जाए और स्वीटनेस हो जाए। शंकर पली दो टाइप का होता है और एक टाइप का होता है जो शुगर के साथ ही आटा गूंदने का, वो पहले ही वीडियो में दिखाया। अभी दूसरा टाइप शुगर कोटेड जो शंकरपाली होता है वो वाला दिखा रहा हूँ। गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अभी ठंडा होने के बाद प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। ठंडा होने के बाद शक्करपारा का टेस्चर ऐसे आ जाएगा। अभी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। टेस्टी शंकरपाली बनके रेडी हो गया। दिवाली स्पेशल बनाया, आप लोग बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।